ये आपका चैप्टर है लाइट। लाइट जो है वो होता है एनर्जी की एक फॉर्म होती है। इट एनेबल अस टू सी थिंग्स विदाउट लाइट। हम लाइट के बिना कुछ देख सकते हैं? वी कैन नॉट एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम ब्यूटी ऑफ नेचर जो है उसको नहीं देख सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लाइट जो है वो एक ज़रूरत है हमारे लिए, एसेंशियल है। इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। हर जगह जो होगा वो क्या होगा? डार्कनेस होगा। हमारी लाइफ हमारी जो होगी वो कैसे होगी? अंधेरे में होगी। उसके बाद है वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम डायरेक्ट सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से हम डिपेंड हैं प्लांट्स फॉर आवर फूड के ऊपर। एंड प्लांट्स प्रिपेयर फूड। अगर जो प्लांट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो जो है वो भी लाइट में ही फोटोसिंथेसिस, जब सन की लाइट पड़ती है तभी तो हमारा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है हमारा खाना बनाने का, तभी तो वो पूरा होता है ना, या बिना सनलाइट के हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं वो गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ टू लिव। जो वो सांस लेते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट। सन जो है थ्रू एज फॉर एज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस इज पावरफुल इनफ टू मेक अर्थ ब्राइट एट डे टाइम। अब हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही दूर है हमसे, मिनिमम 150 किलोमीटर है। उसके बाद पावरफुल जो इनम ये है उसमें पावर इनफ टू मेक अर्थ ब्राइट एट डे टाइम। अर्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है डे टाइम में, रात को होता है। द सन इज द शेफ मटीरियल सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद है वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हम जो हैं वो मिलियंस ऑफ स्टार्स देखते हैं स्काई में, आसमान में देखते हैं। दे आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। वो सब क्या हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं। दे आर हाउ एवर सो फार अवे फ्रॉम अस, वी डू नॉट मच ऑफ देयर लाइट हियर ऑन द अर्थ। अब जिस दिन सन जो मून जो है वो नहीं दिख रहा हो आपको, तो आपको सन्स दिख रहे हो, जो स्टार्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं स्काई में। क्यों नहीं दिखते हैं आपको स्टार्स? नहीं दिखते, इतने सारे स्टार्स होते हैं वो भी तो आपको दिखते हैं ना। उसके बाद है सो फार अवे फ्रॉम अस दैट वी डू नॉट गेट मच ऑफ देयर लाइट ऑन द अर्थ। उनकी ज़्यादा लाइट नहीं होती है इन रियलिटी। सम ऑफ देम आर इवन ब्राइटर देन द सन। वो सन से जो है वो ज़्यादा ब्राइटर नहीं होते हैं। बट दे आर सो डिस्टेंट दे आर अपेयर फेंट एंड स्मॉल टू अस। वो बहुत ज़्यादा उनका जो डिस्टेंस होता है वो अपेयर होते हैं, फेंट होते हैं, उसके बाद वो स्मॉल होते हैं, हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिसाइड द सन एंड द स्टार। सन और स्टार जो हैं वी हैव एन इंटरेस्टिंग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन जो एंड स्टार जो हैं वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट्स हैं और हमारे अर्थ पे। इफ़ इट इज़ द फायर फ्लाई और ग्लो वॉर्म कॉमनली नाउन एज जुगनू। जिनको हम जुगनू, आपने जुगनू देखा है सबने? जुगनू जिसकी जो लाइट जो है वो लाइट जलती रहती है अंधेरे में, आपने देखा होगा जुगनू। समटाइम वी कैन सी जुगनूज फ्लाइंग अराउंड एट नाइट में जो है वो फ्लाइंग उड़ता है। दे प्रेजेंट प्रिटी साइट बट दियर लाइट इज सो फेंट। उसकी लाइट जो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होता है बट उसकी लाइट जो होती है वो फेंट होती है। दैट वी कैनॉट सी मच जस्ट बाय दियर लाइट। वो लाइट में जो है वो ज़्यादा नहीं दिखता है हमें, अंधेरे में वो ज़्यादा दिखता है। उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है? एट नाइट सन लाइट कैन नो लॉन्गर रीच अवर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड हैंड्स एवरी थिंग अपेयर्स डार्क। एट नाइट जो है वो सन की लाइट कैन नो लॉन्गर, उसकी लाइट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है अवर पार्ट ऑफ द अर्थ हमारे अर्थ में, एंड हैंड्स एवरी थिंग हर जगह जो है हमें वो डार्क अंधेरे में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन बींग हैव इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बींग जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसने बनाई है? ह्यूमन बींग ने बनाई है टू प्रोवाइड इल्यूमिनेशन वेयर
देयर इज नो सनलाइट। उसने एक ऐसी चीज बनाई है जहाँ पे सनलाइट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को सनलाइट की जरूरत पड़ती है? बाहर आप देख सकते हो हर जगह अंधेरा होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ, ये रूम है एक, आपका रूम है घर पे है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब लगाया हुआ है, तो क्या आपको बाहर की अंधेरा आपके रूम में दिखाई देता है? रात को सन जो है वो सन होता है, दिखाई देता है, सन नहीं होता है ना। तो जो वो इल्यूमिनेशन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ह्यूमन ने प्रोड्यूस की हुई है। नेक्स्ट है हमारा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अ बर्निंग कैंडल एंड अ केरोसिन लैम्प आर सम कॉमन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, बर्निंग कैंडल हो गई या केरोसिन लैम्प हो गया, ये सब जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स हैं लाइट के। उसके बाद है, ए बर्निंग ऑफ वुड गिव आउट फ्लेम विच ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट। इट टर्न्स आउट दैट इन मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट वी गेट लाइट फ्रॉम फ्लेम आर हीटेड मेटल फिलामेंट। अब एक बर्निंग लॉग ऑफ वुड होती है, गिव आउट फ्लेम, वो हमें फ्लेम देती है, रोशनी देती है, जब वो जलती है तो उसमें से जो है वो ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट, उसमें से एक लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इट टर्न्स आउट दैट इन मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब एक ह्यूमन बींग जो है उसने बहुत सारी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो हैं वो बनाई हुई हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम फ्लेम्स आर हीटेड मेटल फिलामेंट्स। नेक्स्ट हमारा हॉट एंड कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। लार्जर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस लाइट ओनली इफ दे आर क्वाइट हॉट। अब लार्जर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओनली इफ दे क्वाइट हॉट, ये गर्म हो गया या ये ठंडा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब शो ओनली वेन द टंगस्टन फिलामेंट एनकोडेड इन इट बिकम्स रेड हॉट। अब आपने बल्ब देखा है सबने, उसके अंदर जो छोटी छोटी वायर्स जो लगी होती है, जो जिनके बीच से रोशनी होती है, आप क्या सोचते हो कि जो बल्ब होता है क्या वो पूरा जलता है? नहीं, उसके अंदर कुछ फिलामेंट्स होती हैं, जो वो नहीं होती है, वायर्स होती है, वायर्स लगाई होती हैं, फिलामेंट्स डाला होता है ना, उसकी वजह से वो जल जाता है वो बल्ब। जो बाहर कांच लगाया था, कांच नहीं जलता है, वो फिलामेंट्स होता है उसके अंदर, वो जलता है। हाँ, नेक्स्ट हमारा है, द बर्निंग कैंडल द केरोसिन लैम्प एंड द बर्निंग लॉग ऑफ वुड वी आर सॉरी वुड All are hot source of light. Burning candle, kerosene lamp and burning log of wood जो हैं ये सारे source है hot of light के। उसके बाद है, among the natural source of light, अब natural source of light कौन कौन से है? The sun and the stars. Sun और stars जो हैं वो extremely hot हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। उसके बाद हमारा है, they are millions times hotter than the source of light वी यूज़ ऑन द अर्थ। जो हम अर्थ पे यूज़ करते हैं लाइट के जो सोर्स साधन यूज़ करते हैं, उससे जो स्टार्स और हमारे सन जो है वो मिलियंस ऑफ हॉटर होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जैसे आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा ही है ना, प्लैनेट्स में आपको बताया ना सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, पता है किसी को कौन सा है? तो मरकुरी क्यों है? क्योंकि मरकुरी जो है वो सन के बिल्कुल पास है। उसके बाद हमारा है, however all the source of light are not hot, हमेशा all source of light, सभी जो हमें साधन मिल रहे हैं बिजली के, वो सभी hot नहीं होते हैं। There are some cold source of light as well, कुछ cold भी होते हैं। The glowworm or जुगनू is a natural cold, glowworm और जुगनू जो है वो एक natural है, वो cold source है light का। If one catches a जुगनू इट डज नॉट फील हॉट एट ऑल, अगर आप उसको पकड़ भी लोगे ना जुगनू को, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा, वो हॉट नहीं लगेगा, उसकी जो लाइट है ना वो इतनी हॉट नहीं होती है, वो कोल्ड होता है। उसके बाद है, अमंग द मैन मेड सोर्स, अब इंसान ने जो है वो कौन कौन से सोर्स बनाए हैं, जैसे द फ्लोरेसेंट ट्यूब कॉमनली, उसके बाद नाउन एज द ट्यूब इज ओनली द मॉडरेटली हॉट, ये जो बड़ी सी वो लाइट की नहीं होती है ट्यूब जो होती है उसको बोलते हैं, घर में सबने लगाई होती है, जैसे ये है ना, ये छोटा है थोड़ा, इससे बड़ी होती है जो, इसको ही बोल सकते हो आप, लंबी सी होती है।
उसके नंबर हमारा नेक्स्ट है लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी की। हैव यू एवर ट्राई टू कैच लाइट? क्या आपने कभी लाइट को पकड़ने की कोशिश की है? नहीं की है, क्योंकि हम लाइट को पकड़ ही नहीं सकते हैं। लाइट इज नॉट ए सॉलिड। लाइट जो है वो एक सॉलिड नहीं है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है ना आपने। सॉलिड जो होती है जिसको हम पकड़ सकते हैं, बट लाइट जो है वो नॉट ए सॉलिड नहीं है, लिक्विड है और गैस। ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है और ना वो गैस है। इट डज नॉट हैव मास और वॉल्यूम। वो ना वो मास है, ना इसकी कोई वॉल्यूम है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो गैस क्या है, सॉरी लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जनरेटेड बाय एनी सोर्स ऑफ हैज एनर्जी। अब लाइट जो है वो एनी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको ये जनरेट कर सकती है, बट द अमाउंट वेरीज। सनलाइट हैज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ह्यूज अमाउंट में, बहुत तादाद में होती है। वेयर एज द लाइट जनरेटेड बाय ए बल्ब और कैंडल। लाइट जो है वो जनरेट होती है या तो बल्ब से या तो कैंडल से। हैज मच लेस एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड बाय द सन, जो एनर्जी वो जनरेट करता है सन, रिचिज द अर्थ, अर्थ पे। द अर्थ इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो अर्थ हमारा जो है वो किसकी फॉर्म में हुआ? हीट एंड लाइट। अब देखो सन से हमें हीट भी मिलती है, ठंड है, तो हम धूप में खड़े होते हैं, तो वो क्या मिल रहा है हमारी बॉडी को? क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। अब हम हीट भी मिल रही है, अब हम रूम में बैठे हैं, अब हमें हीट भी मिल रही है और साथ में और क्या मिल रहा है? लाइट भी मिल रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट जो है वो भी एनर्जी इसका यूज करते हैं सनलाइट से। क्या करने के लिए? फूड बनाने के लिए। टू किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑल द फूड दैट एनिमल ईट इज मेड बाय प्लांट्स यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन। अब ऑल द फूड, हम जो भी प्लांट्स जो हैं, प्लांट या एनिमल जो भी फूड बना रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो किससे बना हुआ है? किसकी एनर्जी से बना है? सनलाइट की एनर्जी के, सन की एनर्जी से बना हुआ है। अब स्पीड क्या है लाइट की? लाइट ट्रेवल्स एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। बहुत तेज़ी, ट्रिमेंडस होता है बहुत तेज़ी स्पीड में चलता है। लाइट फ्रॉम द सन रिचिज द अर्थ इज अबाउट एट मिनट। लाइट जो है वो सन के जो है वो अर्थ के पास पहुँच गया है मिनिमम अबाउट 8 मिनट्स। लाइट ट्रेवल्स 3 मिलियंस, मतलब 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ स्टार्स। हमारा यूनिवर्स जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसमें पूरे में स्टार्स हैं। स्टार्स तो हर जगह होते हैं। विच रिलीज लाइट एनर्जी, जो वो है लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं बाय फाइंडिंग द टाइम टेकन बाय लाइट एमिटेड बाय सर्टन स्टार्स टू रीच द अर्थ। वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। हम जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते जो अर्थ का डिस्टेंस है। द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन लाइट ईयर्स। हम डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं? लाइट ईयर्स को कवर करते हैं। वन लाइट ईयर इन इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बीम ऑफ लाइट इन वन ईयर। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर द लाइट ऑफ सन टू रीच द अर्थ। अब सन अबाउट कितनी? फॉर द लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट जो है वो 8 मिनट से पहुंचती है अर्थ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेज एंड बीम्स। आज हम इतना ही करेंगे, कल करेंगे आगे जो रेज और बीम है। इसके आगे हमारे ट्रू फॉल्स हैं, सॉरी टिक द करेक्ट हैं। डैश इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन। क्लियर वाटर इज ट्रांसपेरेंट। थर्ड है आपका एंड ऑब्जेक्ट दैट अलो सम रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वी कैन सी अ क्लियर इमेज ऑन ए पॉलिश सरफेस। विच ऑफ दीज मटेरियल कैन प्रोड्यूस अ शेडो पीस ऑफ फूड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अ ग्लोइंग ट्यूब लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस।
थर्ड है आपका ए रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेडो. द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डैश कलर डार्क. ए लूनर एक्लिप्स अकर्स ऑन द डैश फुल मून. द मून इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रू. मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट ट्रू. ऑलिड पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रू. फिनहॉल कैमरा वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ट्रू. आगे एनालॉगी टाइप है सन ल्यूमिनस बॉडी बॉल नॉन ल्यूमिनस. लूनर एक्लिप्स मून सोलर एक्लिप्स सन. तो ये है हमारा. कल हम नेक्स्ट वाला जो आपका है वो करेंगे.